अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ को जो है दूर करें। इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स, अभी कुछ दिन ढला है, गर्मी जो है बिल्कुल डाउन हुई है। वरना यकीन माने दिन को जो है गर्मी बिल्कुल इतनी तेज़ होती है ना, बंदा पसीनों पसीनों जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे गांव में हरियाली जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी जो है कपास का टाइम है, कपास की बिजाई हो रही है, ट्रैक्टर वगैरह हल लगा रहे हैं और कपास की जो है ज़मीनें तैयार की जा रही हैं। तो पता नहीं कब तक हमारे गाँव में ये हरियाली होगी। खुद हमारा जानवरों का चारा भी ख़त्म हो गया है। अम्मी जो है पीछे देखें, बकरियाँ चरा रही है, ताकि ये छोटा मोटा जो हमारा घास बचा हुआ था ना, ये सब बकरियाँ चरा के फिर जो है हम इसमें हल चला के नया घास उगाएंगे। तो आयत भी इधर ही आई हुई है। आयत क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ चलो। तो मौसम जो है बिल्कुल साफ है, यकीन माने सुबह ही सुबह ऐसे बादल उठे, ऐसे हमने कहा कि बस अभी बारिश आई, अभी बारिश आई, लेकिन बारिश नहीं आई। तो चलते हैं घर की तरफ। और अभी बस एक और चीज़ आपको दिखाना मैं भूल गया, ये छोटे छोटे मिमियों के काम चेक करें, घास से देखें किस तरीके से जो है खा रहे हैं। और अभी बस एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, हमारी जो तूड़िया आंधी की वजह से कितनी ख़त्म हो गई है, ये देखें। इतनी तेज़ आंधी आई थी दो दिन पहले, तो ये काफ़ी उड़ गई है। थोड़ी सी तो हमने खिलाई हुई थी जानवरों को। अम्मी क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमसायन तो सा बिच बकरिया रलाई बैठे हुए, अपने भी रले चराई बैठे हुए ना ना। अच्छा अच्छा, अपने ये इंसार ए डू वजनी है ना। हाँ अबू जी, अम्मी ना कपड़े पैक करके ना घर में क्यों पता नहीं। चलो और देखो, ओ आयत कुछ आओ आयत। पता नहीं सुबह तक तो ठीक थी, ये अचानक फिर क्या हो गया। कह रहे ये इकरा क्या कह रही है? क्या कह रही है? या पैकिंग किस लिए कर रहे हो? खैर है, कुछ बोलते भी नहीं हो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपसे आपसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया तो है कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। क्यों? कोई आखिर वजह तो होगी, कोई तो वजह होगी इस वजह से ये पैकिंग घर छोड़ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। बस आपको पता है कि कौन सी वजह, मैंने अब जो सब बातें थी ना, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आखिर कोई वजह बताओगे? अम्मी ने कुछ कहा है आपसे? सुबह तक तो आप ठीक थी बिल्कुल। ये लो ऐसी कोई बात नहीं, अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अबू ने कुछ कहा है फिर? किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर ये बिला वजह कोई वजह बताएंगे ना? बिला वजह पैकिंग कर रही है, बैग सारा कुछ ये निकाल लिया। ये तो मुझे अभी इकरा गई, इन्होंने बताया है कि अम्मी जो है तैयारी करके पैकिंग करके जा रही है। मैंने भाई को फोन किया है, वो आएगा मुझे ले जाएगा। बस आपको बताने की क्या जरूरत है? आपको बाद में फिर पता चल जाएगा कि बातें जो है क्या बात है। मैं भी बर्दाश्त, मैं भी एक इंसान हूँ, बर्दाश्त करके भी थक जाती हूँ, इतनी सी बातें होती हैं। और आपको जो है मैंने कहती कि अब ना मेरी वजह से आप लोग आप भी टेंशन में आए। आप मैं एक रसद आपको यहीं छोड़ के जा रही हूँ, आयत को साथ लेके जा रही हूँ। मुझे वजह बता दो, मैं खुद छोड़ के आ जाता हूँ आपको। बिला वजह आप ना जाए, ठीक है ना? अगर मेरी फैमिली में से किसी ने कुछ आपको कहा है तो मैं उनसे बात करता हूँ। क्या वजह है ऐसे घर छोड़ के आप चले जाओगे? मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ।
ये तो कोई बात नहीं हुई। बस मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, आप मुझे लेके जाएंगे तो चली जाऊंगी। इकरा जाओ, दादी को अम्मा को बुला के लाओ, जाओ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ना कोई गाल है, ना कोई बात है, इवें तुसा तैयारी करगी दिए ना दसे ना भाले वे। कोई आखिर वजह होंगी है कि भाई ये वजह है, मैं इन वजह नाल वेंदी पई हां, तुसा पैकिंग कर की दिए। वजह ते को आपे आप पता लग गई जे, लेकिन यो चीज ही ना गाली थे ना, बल बाद ते को आपे आप पता लग गई जो क्या वजह खाली मैं को तो बन जाने, बस पैकिंग में आप सारे आप छोड़े रहने दे, ये बैग मुझे दे। मैंने बैग आपने रख दे इधर। क्यों नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने इधर रख दे। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने अपने घर के लिए जो है क्या कुछ नहीं किया, अपने घर बनाने के लिए, और ये आपकी जो बिरादरी वाले हैं ये हर वक्त मुझे एक ही ताना देते हैं। जब आपके बिरादरी वाले समझ जाएंगे ना हर बात, तो तब आपने मुझे जो है अपने घर वापस ले आना है। अभी मैं जा रही हूँ बस। अब ऐसी क्या बात कर दी मेरी बरादरी वालों ने, वो तो आपको पता है हमसे जेलस होते हैं। जेलस होते हैं, कौन से जेलस होते हैं, बस जो बातें हुई हैं ठीक हुई हैं, बस मेरा लगता है बस मैं अभी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ बस। लगता है आपको आपके किसी ने ऐसे वैसे कान भर दिए, आप छोड़े रहने दे, आप ये सामान मुझे देना। बेगम मैं अम्मी को बुलाता हूँ, वही आपसे बात करेंगी। अम्मा मैं एक रोक रोक के थक गया, मेरे आंखें भी निभी रुक दी। क्या है काल का ये कुछ ऐसा सो भाई, कोई पता ही लगती कहीं मैं अचानक उठ के टूट देते थे क्या है, है रे माया क्या करते को अपनी अम्मी वास्ते मुंह जाइए, मैं खुद छोड़ा ना, लेकिन ये नहीं मने दी पई। मेरी तबीयत कोई ठीक है ना, बस मेरे को थोड़ी परेशानी थी, मैं खुद को समझ नहीं आता पे मैं खुद नाल क्या थे, बस मेरा दिल नहीं करेंदा, मैं वाली वे नहीं आ जेवले मेरा खुद दा रूह अच्छा थीया सी सारी चबारी तेरी मजबूरी को लेके सारी जिंदगी काम करेंगे तू भाई, हुन तू कहीं जानी नहीं, कोई जानी नहीं दी काम करके मैं अभी अम्मी दी करवे समस, मेरा दिल नहीं करेंदा हाली रहन दा इथा, बस क्यों नहीं करेंदा, आराम करके रख तू। अम्मा तू सही को आप समझाओ, मैं दा वजह पूछ पूछ के थक गया, मेरे को दा दसेंदी भी नहीं कुछ, बाल बच्चे क्या क्या के दा रख। अम्मी ये आप लेके जाए जाए बेगम, आप लेके जाए, मैं ना इसको रख रही हूं, अभी मैं जाऊंगी। चल 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 अम्मी, मैं फजर पूछा था तको तू हाली दा बन, तेरी तबीयत सही का नहीं, मैं दे हाथ अब ऐसे तबीयत का नहीं, इलाज इलाज भी घुमा के था करे इसी तरह जरा है। अम्मी मैं इलाज कर रहा हूँ इसका, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अचानक ही सुबह तक ठीक थी, अचानक इसका दिमाग खराब, बीमारी में चेक करने वाली बुखार है, तबीयत सही कह नहीं, मैं हाली नहीं रहना चाहती, मैं आके मैं को बन जाते शायद किसी दफा के मेरे को मैं क्या हफ्ता खान तो मन दे, मैं जेवले मेरी खुद ही तबीयत सही थी आसी, बस थोड़ी सी टेंशन है दूर हो जाएगी तो फिर मैं आ जाऊंगी। मुझे वजह बता दो आप, मैं आपको खुद बत्ती सस्ते वाले को तो छोड़ इना ना गाली ना सुने कर, ऐ मैं आके रख दे अम्मी और हडे उचा मैं ना हाले हां ते कुफदे पर से पूछा ना, मैं कदा नहीं अम्मी दे घर गई, कह नहीं मेरा दिल करे रख रहे अम्मी दे घर दे बन जाता मैं घर, दर तब 60 थी वे थी ते कुफदे पर से मैं शायद को जरा दा अखे था ते को तेरे दवाई गिनती जिथो अखे थे जित दा इलाज आके दे। अम्मी जी आप ये बैग लेके जाए ना अंदर छोड़े, मैं आग से खड़ी, बस मैंने कहा पता नहीं क्या परेशानी हो गया, मैं वहाँ खड़ा हुआ था यकीन मन में काफी परेशान हो गया, मैंने कहा अचानक पता नहीं क्या, अगर आपको ऐसी वैसी परेशानी थी तो आप मुझसे शेयर कर लेते।